Tell us something about Family Man and how important is this project for you? It's a very very special project क्योंकि वहीं पे मेरे uh, खास दोस्त भी बने हैं इतने शाहरूख श्रेया मनोज सर and Raj Dikesh sir you know they were very very sweet when they offered uh, this role in season one. आप जब अपने आप की journey पीछे देखते हैं what is it that you love the most? I'm thankful and grateful कि uh, I स्टक बाय माई पैशन इफ यू गिव दैन दैटोरेंस ओनली विल ऑल्सो भी है उनको थोड़ी पैसे चाहिए या उनको पैसे देने में भी प्रॉब्लम नहीं थॉट एंड दिस फीलिंग की ये कमा नहीं रहा है और कोई भी माँ बाप आपके नहीं खुश हो पाएंगे उनको कुछ चाहिए थोड़ी उनको बस चाहिए वो खुश रहे आपके लिए सबसे चैलेंजिंग रोल आज तक का कौन सा रहा है जिस पर लिटिल मोर एज एन एक्टर जो भी आप नाम ले रहे हैं फ्रॉम एज संदीप भैया रेलवे मैन इवन आशा भा फ्रॉम हेलो मम्मी एंड मैनी बहुत सारे ऐसे ऐसे किरदार हैं क्योंकि सब में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं संदीप भैया भैया देखने वाला नजर ही है कोई नाक कॉल करने से कॉल तो कर रहा है

उन्होंने इस शो की वजह से एंड संदीप भैया इन इन दोनों शोज की वजह से आई आई मीन बीन अ लॉट ऑफ मूवमेंट लाइफ सो फील ओनली ग्रेटफुल अगर अगर एक्टर एक भी भी जन के लिए भी, अगर आप कुछ चेंज कर दो बढ़िया तो मुझे लगता है मेरा काम सफल है तो ये तो मतलब काफी But, के just, you know, ki, क्या खूबसूरत क्योंकि इंपॉर्टेंट लेसन प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जो एक्टर्स सबसे पहले सीखते हैं वो है स्ट्रगल एंड नॉट टू गिव अप और आपकी जर्नी तो ऐसी रही है कि आपने कहाँ कुछ 2010 में आपकी पहली फिल्म आई थी राइट एफ टी आई आई से पास आउट हुए 2010 हम 2024 की बात कर रहे हैं यहाँ अब आपको लोग एक पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड मेनी अदर रोल्स के लिए जाने जाते हैं सो आप जब अपने आप की जर्नी पीछे देखते हैं वट इज़ इट दैट लुक बिहाइंड तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि आई स्टक बाय माई पैशन यू नो कोई भी अगर मुझे पूछता है कि अगर इस फील्ड में आना है नहीं आना है तो मैं यही बोलता हूँ कि आपका पैशन कितना है आपकी ड्राइव कितनी है आई एम सो ग्रेटफुल कि आई मतलब मेरा एक तो इतनी ड्राइव थी इतना पैशन था मुझे लगता है वो नहीं होता तो शायद मैं आ, इतना टाइम रुक नहीं पाता क्योंकि क्या होता है ना अमूमन हम कोशिश करते हैं करते हैं करते करते हैं और जैसे ही टूट के वापस चले जाते हैं ना बस उसके उसके बस आप किनारे पे ही होते हो उसके बाद लाइट होती है जैसे मैं बोलता हूँ कि आप खोदते हो कुआँ खोदते हो ना पानी निकालने के लिए खोद रहे हो, खोद रहे हो, खोद रहे खोद रहे थक गए हार गए टूट गए लेकिन शायद एक और फावड़ा मारना है आप चले जाते हो उसके पहले तो इट इज दिस पैशन दिस ड्राइव दिस लव दैट यू हैव पीपल अराउंड यू इनकी वजह से मैं टिक पाया और मैंने वो आखिरी फावड़ा मारा तब जाके वो थोड़ा एक पानी की लहर दिखी तो इट टुक टाइम एंड कोर्स एज यू सेड परसिवरेंस एंड रिजिलियंस इज वॉट हैंग दिस वर्ड एंड इट्स वर्ड एंड इट यू प्रैक्टिस दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन लाइफ एंड स्ट्रगल वाली जो बात है मुझे नहीं लगता है वो शुरू में ही होती है इट्स इट्स एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स वो हमारे लाइन थोड़ी सी यू नो ग्लैमराइज है और सब देखते हैं लोग तो ज़्यादा बात की जाती है बट आई गेस एवरीवेयर सबकी स्ट्रगल उतनी ही इक्वल है और उतनी ही इम्पोर्टेंट है एंड आई थिंक बैक जो मेरा समय गया है मैं इन शॉर्ट में बोलूँ तो इट्स लाइक माई एजुकेशन एंड दैट हैज़ ओनली टॉट मी सो मच पर कभी ऐसा लगा कि मैदान छोड़कर भाग जाते uh, मतलब ख्याल तो आया था डेफिनेटली hmm. मतलब और मुझे ख्याल ये नहीं आया था कि मैं भाग जाता हूँ मुझे ख्याल ये आया था कि क्योंकि यू हैव टू अर्न यू नो यू हैव टू मेक योर लिविंग दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट तो मुझे लगा था कि मैं ये तो करता ही रहूंगा कब होगा नहीं होगा पता नहीं पर मैं साथ में कुछ-कुछ अर्न -कुछ करता हूँ है hmm. ना घर चलता रहे ताकि वो टेंशन ना हो क्योंकि फिर इतने साल रुकने के बाद भी फिर अगर आप घर वालों से मन अच्छा नहीं लगता ना कि सो इफ़ यू गिव देम दैट अश्योरेंस ओनली देन दे विल आल्सो बी हैप्पी ना उनको थोड़ी पैसे चाहिए या उनको पैसे देने में भी प्रॉब्लम नहीं इट्स दिस थॉट एंड दिस फीलिंग कि आ, आ, ये कमा नहीं रहा है और कोई भी माँ बाप आपके आ, नहीं खुश हो पाएंगे उनको कुछ चाहिए थोड़ी उनको बस चाहिए कि वो सेटल हो जाए वो खुश रहे सो so, मैं भी वो अश्योरेंस नहीं दे पा रहा था और मैं काफ़ी टाइम तक मैंने बंद भी कर दिया था मैं किसी तरह कुछ कुछ करता था लेकिन उनको काम दिखता नहीं था ना तो भी उनको लगता था कि मतलब ही इंजीनियर है बहुत कुछ कर सकता है जॉब मुझे निकलते ही मिल रही थी आई नेवर सेट इन अ प्लेसमेंट आई आई वॉज गेटिंग अ जॉब एन आई डिड माई प्रैक्टिस सेशन टू जिसमें हम छ महीने जॉब करनी पड़ती <laughs> वो लोग ही मुझे जॉब दे रहे थे और वो करके तो और समझ में आया ये सब बिल्कुल नहीं करना सो दैट इज वन थिंग बट क्विट का मुझे नहीं लगता है कभी ऐसे ख्याल आया था बट यही था कि मैं साथ साथ कुछ और करूँगा ताकि अर्न करता रहूँ और किसी तरह मैं एक्टिंग करता रहूँ अमेजिंग अमेजिंग यू कम फ्रॉम एन इंडस्ट्री जहाँ पर इनसिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरलाइन वर्ड होता है और इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा एक्टर्स को अपने आप से ही होती है कि कहीं यू नो ये मैं कर सकता था ये रोल मुझे मिल जाता शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ हाउ डिड यू टैकल दीज थिंग्स इट्स अ वेरी नॉर्मल इमोशन लाइक हंसी गुस्सा पेन इनसिक्योरिटी, सो सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करने वाली बात है अब इस पर इस पर एक्शन क्या करना है दैट इज़ योर चॉइस सो आई कैन यूज that दैट so, that, that insecurity एज माई inspiration, विच इज़ विच इज वॉट आई हैव डन क्योंकि मैंने मेरे बैचमेट्स भी हैं इतने लोगों ने काम किया है तो मुझे कभी भी वो ख्याल आया ना कि अरे इतना अच्छा काम कर रहा है तो वो कभी भी इनसिक्योरिटी में तब्दील नहीं होने दिया नहीं। मैंने क्योंकि मैंने उसको हमेशा इंस्परेशन की तरह लिया कि वाह ये लोग काम कर रहे हैं साथ के तो मतलब वेरी नाइस तो मतलब अपन भी कर सकते हैं यू नो सो आई मुझे मुझे भी मिल जाता है यार नहीं मुझे, आ, देखो जब जब उस उस टाइम थी तब तो इतना समझ में नहीं आता था बस ये लगता था कि मुझे कब मिलेगा मुझे कब ये कर रहा है उस टाइम पे वो बहुत जरूरी डिसीजन था उस टाइम पे मेरा अपने आप से ये बोलना कि इट्स लाइक एन इंस्पिरेशन कि उनको देख के हम उनको आ, उनकी खुशी के लिए खुश हो सकते हैं क्योंकि शायद तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे नहीं तो कुड़ते कुड़ते तो फिर मुझे लगता है और दस साल लग जाते हैं फिर उसका तो कोई अंत नहीं है तो ये आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि थोड़ा बहुत जो मेरे आसपास लोग थे थोड़ी बहुत समझ थी मेरे पेरेंट्स से यू नो पॉजिटिविटी हार्डवर्क डिटर्मिनेशन ये सारी चीजें मेरे घर वालों से खैरात में आती है तो मैं आधा तो वहां बच गया और उसके अलावा जो भी मेरे लोग थे उनका बहुत सपोर्ट था और प्यार था कॉन्फिडेंस था आसपास के लोगों को मुझ पर तो मुझे लगा कि अपनी अपने हाथ में क्या है मेहनत करना hmm. और अपने स्किल्स को होन करना वो वाली बात है ना कि इतने अच्छे इंजीनियर बन जाओ कि सक्सेस खुद आपके पीछे है तो है। उसी है। पे मैंने एक्ट किया एंड कोर्स बीच बीच में लगा अरे वाह और वो फिर मैंने एक उसको अपने स्ट्राइड में लिया hmm. कि अरे वाह यू नो एज़ फॉर बैचमेट्स तो खैर मेरे हैं पर अदरवाइज इवन यू से जो लोग यू नो देट मेक इट फ्राम कमिंग फ्राम द आउट साइड ऑफ द इंडस्ट्री एंड दे मेक इट ऐसे भी कितने एग्जाम्पल्स हैं तो दे आर लाइक इंस्पिशन दे आर लाइक गाइडिंग लाइट फॉर सो मैनी पीपल सो इफ वी सी थिंग्स दैट वे और हम ये सोचें कि uh, अगर अभी ये नहीं मिल रहा है तो शायद मैं तैयार नहीं हूँ तो ज़रा मैं बाहर उंगलियाँ करने से अच्छा, अच्छा, अच्छा अपने अंदर देखूँ अपने आप को और तैयार करता हूँ अपने आप की स्किल्स और होन करता हूँ जब मैं तैयार हूँ तो मिल ही जाएगा एंड इट हैज इवन संदीप भैया भी IAS नहीं बन पाए लेकिन ऑफिसर तो बने ना क्योंकि you know, वो लगे रहे जिस तरीके से बात कर रहे ना ऐसा लगता है जैसे <laughs> मुझे ऊपर <लगता> <laughs> वाले ने दस बारह साल तैयारी करवाई संदीप भैया के फिर <laughs> <खाले। laughs> आप रुके थे कुछ लिखो लाइक इतनी मोहब्बत

तो मैं पहले वो देखता हूँ चलो ये फिर भी पहचान तो रहे बाद में देखता हूँ भैया बोल रहे और अच्छा ही है ना मेरी बीवी है FTI से, मेरी है, प, साल से साथ में। तो बेहतर तो <laughs> तो मैं, ना कि एक, -एक हर चीज का मैं देखता हूं। तो ये भी मैं एक पॉजिटिव साइड बोल रहा हूँ इतना नहीं हूँ मैं तो मोहब्बत से देखता हूँ मुझे लगता है कि आप उन कलाकारों में से एक एक जिनके लिए लिए जैसे मैंने आपके आपके भी कहा जी जी OTT ने बहुत महत्वपूर्ण uh, रखा तो आपके लिए, how important has this opening been? मुझे लगता है आई एमर बिकॉज ऑफ ओ टी मिली नॉट जस्ट फॉर एक्टर्स फॉर राइटर्स यू नो टेक्नीशियंस फिल्म मेकर

Tell us something about Family Man and how important is this project for you? It's a very very special project because वहीं पे मेरे uh, खास दोस्त भी बने इतने शारिब श्रेया मनोज सर and Raj D K sir. You know they were very very sweet when they offered. Uh, दिस रोल इन सीज़न वन एंड दे पर्सनली एक्सप्लेन एंड यू नो दिस सेट कि हम सीजन टू में इसका अच्छा अट्रैक्ट करेंगे एंड दे ऑल दे लिव्ड अप टू वडेवर दिस सेट सो आई फील ग्रेटफुल टू हैव सच वंडरफुल पीपल एंड दे आर सो टैलेंटेड मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है बोलने के लिए राजी के सर कितने टैलेंटेड कितने विटी एंड इंटेलिजेंट डायरेक्टर्स हैं सो एम ब्लेस टू हैव वर्क विद दैम एंड मोर मोरसो टू से आई गॉट टू वर्क विथ माई आइडल मनोज वाजपेई सर तो वो मेरे लिए बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए बहुत कमाल की सीख थी उनके साथ काम करना एंड एंड टू सी हेम हाउ ही यू नो वर्क ऑन सेट्स एंड ऑफ सेट्स एंड हाउ ही इज एज अ पर्सन एड डिमीनर इन इट्स सेल्फ इज सो मच बिगर दैन द काइंड ऑफ पर्सन ही इज द कांड ऑफ एक्टर ही इज हीज इज अमेजिंग And उसके अलावा, श्रेया शारे ऐसे लोग हैं बकायदा सीखी है was there a sense of like a little bit of confidence क्योंकि ये पढ़ाई हुई है देखिए एक होता है थेरी पढ़ना और एक होता है प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आके काम करना तो इसका कोई वो नहीं है कि आप सीख के ही आओगे तो ही आप चीज़ें कर पाओगे बट येस इधर इंस्टीट्यूट और ऑन सेट बट इफ़ यू आर रेडी एंड यू आर पैशनेट इनफ टू लर्न सो

Uh, पहले तो और uh, मतलब अब तो बस मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है जी. उसका बेनिफिट है मेरे पास अदरवाइज उसके अलावा इट्स ऑल द सेम आई एम स्टिल स्केर्ड आई एम स्टिल डाउटफुल आई एम स्टिल रिलाइंग ऑन माई डायरेक्टर्स एंड माई को एक्टर्स सो आई एम एज ब्यूटीफुल एज माई डायरेक्टर एंड माई को स्टार्स सो दिस दिस इंडस्ट्री एंड द प्रोजेक्ट्स आर यू नो दिस फिल्म इंडस्ट्री इज इतना कोलेबरेशन Uh, इसमें इतनी ज्यादा होती है ना तो यू कांट से कि किसी एक जन का श्रेय है सो यू आर एज गुड एज योर डायरेक्टर एज योर को एक्टर्स एंड एज योर टेक्निकल टीम सो दैट इज वॉट आई हैव गॉट एंड इज आई ब्लेस्ड विद एंड व्लेस नर्वसनेस तो होती है जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे जाते हो हम शुरू शुरू में जब मनोज सर के साथ काम कर रहा था बट देन योर ट्रेनिंग कम्स इन टू पिक्चर एंड हाउ यू पोर्ट्रे दैट यू नो यू ऑल्सो हैव टू बी इक्वली विजिलेंट एंड फर्म and then he is an actor you are an actor he is a character he is my sir right now um, she is your sir and i am villain. so you have to tell yourself that and then you know offset you can go into all the stories and fan moments and all yeah. those things but what we have learned is you know uh, you are an you are a co-actor you are this is the relation let's maintain that and what you have learned let's practice that Mm -hmm. तो तैयारी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी होती है उसके बाद मजा वहीं आता है यू आर रेडी प्रिपेयर्ड क्या बता सकते हैं आप हमें? आपने सीजन देखा था? हाँ, देखा था। मुझे पता है और आएगा आई होप कुछ झलकियाँ अपसेट यू लाइक जब आपने पढ़ा था स्क्रिप्ट एक्चुअली आई थॉट इट वॉज सो वेल रिटर्न कि अपसेट ये हुआ था कि अरे यार ये इतनी प्यारी सीरीज में नहीं रहूँगा वो था एक हल्का सा बट अदरवाइज इट वॉज सो नाइसली रिटर्न एंड सो नाइसली डन एंड यू नो वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड कुछ कुछ चीज़ें मतलब कुछ कुछ मैं कुछ फील कर रहा था कुछ मेरी बातें सुनी गई कुछ डायरेक्टर्स ने चीजें ऐड करी सो दे यू नो समहा दे मेड मिलिंद का जो ओवरऑल ट्रैक वेरी वेरी सो आई ब्यूटिफुलट कंप्लेन अबाउट दैट अब इट्स अ पार्ट ऑफ इट कि अब वो मरना था एंड आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस है पूरे शो में विच नो विच टर्न्स द टेबल्स एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो आई एज सेड आई सी पॉजिटिव साइड सो आई वॉज फोकस्ड देयर

क्या ये एक कॉन्शियस एफर्ट आपकी तरफ से रहा है या फिर आपको ऐसे ऑफर किए गए हैं मैं uh, बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ अपने आप को कि मुझे लोगों ने अलग अलग किरदारों में देखा हाँ. और अलग मतलब हैवन थॉट ऑफ लाइक फॉर एग्जाम्पल हम जिसके लिए मिल रहे हैं वो हेलो हेलो मम्मी मेरी एक फिल्म है जो मलयालम फिल्म जो रिलीज हुई yes. है इफ़ यू सी दैट कैरेक्टर आई मीन इट्स सच अ ब्रिलियंटली रिटन रोल समथिंग यू नो एनी एक्टर वुड लव टू डू मतलब ही हैज़ मैस्कुलिन एनर्जीज ही हैज फेमिन एनर्जीज ही हैज़ मिस्टिकल पावर्स मैजिकल पावर्स ही ऑपरेट्स बियॉन्ड ह्यूमन बींग्स ही ऑपरेट्स अमंग स्पिरिट्स सो और वो स्टाइलाइज्ड है यू you नो know, कभी भी अपने हिसाब से ही बिकम्स फेमिनिन एंड देन फॉर पावर ही बिकम्स मैस्कुलिन सो दैट दैट काट काफ़ कैरेक्टर्स इफ़ यू गेट ना यू आई फील ब्लेस्ड की थैंक थैंक्स टू गॉड की एंड थैंक्स टू पीपल वो आर ट्रस्टिंग इन बिलविंग इन मी एंड ऑफरिंग सच रूल्स तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ इसमें उखाड़ रहा हूँ ये मुझे ऊपर वाला और जो लोग हैं उनकी मोहब्बत है ये स्क्रिप्ट चूज कर रही है मुझे तो मैं हाथ जोड़ के बह रहा हूँ और मेहनत करके उसमें जितना अपने लेवल पर मैं काम कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ एंड आई एम लर्निंग ग्रोइंग एज That is my इच्छा। आपका ये एक डेब्यू है विद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री तो मैंने कहीं पढ़ा था कि मलयालम फिल्म एंड इस तरीके से होगा कि मुझे नहीं पता था कि मलयालम सिनेमा में भी आ गया और uh, फिलहाल मलयालम बोलनी भी नहीं पड़ रही और वहाँ जाके मेरा <laughs> एक क्रैश कोर्स भी हो गया सो आई है जॉब थोड़ा बहुत दैट वॉज ग्रेट

टू कम थ्रू इट जो भी आप नाम ले रहे हैं फ्राम एस संदीप भैया रेलवे मैन इवन आशा भा फ्रॉम हेलो मम्मी एंड मैनी मैनी बहुत सारे ऐसे ऐसे किरदार हैं क्योंकि सब में अलग अलग चैलेंजेस होते थे जैसे संदीप भैया में यू नो हरियाणवी का था उसका बैकग्राउंड था और यू uh, नो you know, जितनी ज़्यादा आपको डिटेलिंग मिलती है ना उतना आसान हो जाता है एक एक्टर एक के लिए तो हमें वही कुरेदता ही था कोशिश भी करता था तो uh, हर कैरेक्टर अलग अलग लेवल से चैलेंजिंग तो होता ही है क्योंकि यू गेटिंग इन टू अनदर पर्सन स्किन एंड यू नो यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर हुम यू डोंट नो एट ऑल जो तीस साल पच्चीस साल उसकी लाइफ के आपको तैयार करने उसने क्या किया होगा क्या एस्पिरेशंस होंगे क्या सोच होगी क्या उसका बचपना रहा होगा ऑल दीज थिंग्स मैटर टू यू नो मेक अ कैरेक्टर तो आप क्या बैकस्टोरी क्रिएट करते हैं हाँ हाँ आई ऑलवेज डिस्कस विद माई राइटर एंड डायरेक्टर कि भाई बैक स्टोरी इस तरीके से या मतलब ये टैंडम में जा रहा है ना हाँ। क्योंकि वो चीज़ कभी भी कहीं भी काम आती है हमें नहीं पता चलता सो वैन एज ए सेट बिफोर वैन यू आर रेडी प्रिपेयर्ड ऑन द सेट ना एंड देन यू इम्प्रोवाइज तो फिर वो करेक्ट लाइन में आएगा अगर मैं डायरेक्टर्स और राइटर्स के साथ उसके बैकग्राउंड के सिंक में नहीं हो ना तो मैं कभी कुछ इम्प्रोवाइज करूंगा उसका मैच नहीं करेगा बट वो रैंडम होगा बट अगर मुझे पता है कि इसको बचपन में इसका एक ट्रॉमा था जो जो इसको कभी भी झुझला देता है एंड समथिंग इन द फिल्म हैपेंस उसके कनेक्शन में एंड ही सर्टेन वे लेकिन अगर हमने वो सोचा ही नहीं होता तो ये मोमेंट नहीं बन पाता और ये मोमेंट तो कभी था ही नहीं फिल्म में mistaken. लेकिन शायद उसकी वजह से yeah ये बन पाया so, सो ये मैजिक्स ये छोटी छोटी चीजें हैं ये ऑन द जॉब हो जाती हैं And, and वही मैंने जैसे कहा कि इन सपोर्ट ऑफ योर राइटर एंड डायरेक्टर क्योंकि आप एक लेवल तक ही कर सकते हो फिर यू हैव टू फॉलो द विज़न एंड एज हमारी मीडियम जो है डायरेक्टर्स मीडियम uh, है उनका विजन है सो आई फॉलो दैट

मतलब वो अलग चीज़ है कि अगर आपका यू नो सोच ही अलग तरीके से जा रही है या एक अलग प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि ये मेरे लिए उतना एक्सपीरियंस नहीं हो शायद मैं